दोस्तों, आपके सिस्टम या लैपटॉप का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस क्या है, क्या आपको पता है? दोस्तों, यदि पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो डोंट वरी, आज आप जान जाएंगे आपके सिस्टम या लैपटॉप का आईपी एड्रेस कैसे पता लगाया जाए, आईपी एड्रेस होता क्या है या फिर मैक एड्रेस क्या होता है। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस होता क्या है? आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसमें लगा हुआ है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। दोस्तों, जब भी हम किसी भी डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ते हैं या किसी भी डिवाइस को किसी डिवाइस से कम्युनिकेट करते हैं, तो इसे एक एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। आईपी एड्रेस के थ्रू ही आप किसी भी सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आईपी एड्रेस के दो वर्जन है, IPv4, IPv6। दो टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, वर्जन 4, वर्जन 6। और तो हम बात करने वाले हैं कैसे पता करें आईपी एड्रेस। IPv4 दोस्तों 32 बिट का एड्रेस होता है और IPv6 128 बिट का होता है, यानी कि 128 बिट का एड्रेस होता है IPv6। आइए देखते हैं कैसे पता करें इस सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलने हैं। कमांड प्रॉम्प्ट कैसे खोलने हैं? विंडो के साथ R प्रेस करेंगे, इसके बाद आपको CMD टाइप करना है। CMD टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। इसमें आपको टाइप करना है IP config, यानी कि इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आईपी कॉन्फिग्रेशन होगा, तो इसको हम टाइप करते हैं IP config। IP config टाइप करने के बाद हम जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है आईपी एड्रेस क्या है इस सिस्टम का। आप देख सकते हैं IPv6 एड्रेस, IPv4 एड्रेस, सबनेट मास्क। दोस्तों, ये आईपी एड्रेस की क्लासेस पे डिपेंड करता है। आईपी एड्रेस किस क्लास का है उसी हिसाब से सबनेट मास्क भी आता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वर्चुअल मशीन भी इसमें इंस्टॉल किया हुआ, तो उसका भी आईपी एड्रेस शो हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आईपी एड्रेस फाइंड कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा भी तरीका आईपी एड्रेस चेक करने का आपके सिस्टम का, आपको नोटिफिकेशन में जाना है और जहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट हुआ है नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक करना है। नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर खुल गया। जिस भी नेटवर्क से आपका सिस्टम या हॉटस्पॉट से कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे शो हो रहा है। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से भी देख सकते हैं अपना आईपी एड्रेस क्या है। तो इस प्रकार से आईपी एड्रेस सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या है, इसको कैसे सर्च करें? दोस्तों, मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जिस तरीके से दोस्तों मोबाइल का IMEI नंबर होता है, मोबाइल में एक या दो IMEI नंबर होते हैं। सिंगल सिम के मोबाइल में एक IMEI होता है और डबल सिम कार्ड के फ़ोन में दो IMEI होता है। इसी तरीके से किसी भी सिस्टम या लैपटॉप में मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस मीन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इस एड्रेस के थ्रू दोस्तों किसी भी डिवाइस को फाइंड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, मैक एड्रेस 48 बिट का एड्रेस होता है। मैक एड्रेस को यूँ समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे किसी भी सिस्टम या लैपटॉप का मदरबोर्ड होता है उसी का एड्रेस मैक एड्रेस होता है। जिस प्रकार से मोबाइल में भी मदरबोर्ड लगा होता है उसका एड्रेस IMEI नंबर होता है, ऐसे लैपटॉप या डेस्कटॉप का एड्रेस जो होता है मैक एड्रेस होता है। इसको फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस बोलते हैं। तो मैक एड्रेस कैसे फाइंड करना है आइए देख लेते हैं। ये आईपी एड्रेस वाला हम क्लियर कर देते हैं। आपको क्लियर करने के लिए CLS टाइप करना है। CLS टाइप किए, क्लियर हो गया सारा। आपको कमांड प्रॉम्प्ट में ही टाइप करना है। दोस्तों, आपको टाइप करना है IPconfig /all। जैसे आप आईपी एड्रेस फाइंड किए थे ऐसे मैक एड्रेस भी फाइंड करेंगे, थोड़ा सा अंतर है। IPconfig /all, ये फॉरवर्ड स्लैश है IPconfig /all। इसमें दोस्तों
ये टाइप करने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जैसे ही हम एंटर करेंगे इसमें आईपी एड्रेस भी आएगा और मैक एड्रेस भी आएगा, दोनों साथ के साथ आएगा, यानी कि आईपी एड्रेस भी रहेगा उसमें, उसमें मैक एड्रेस और ऐड हो जाएगा। एंटर करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है होस्ट नेम क्या है, सिस्टम का नाम क्या है, मीडिया कनेक्ट है कि नहीं, मीडिया स्टेटस शो कर रहा है, आईपी एड्रेस, इथरनेट का एड्रेस क्या है, हमने वर्चुअल मशीन लगाया हुआ उसका एड्रेस, उसमें भी आईपी है, उसमें भी मैक एड्रेस है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक मैक एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिजिकल एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है, फिजिकल एड्रेस आप देख सकते हैं। इस टाइप से मैक एड्रेस होता है, हमने वर्चुअल मशीन कनेक्ट किया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं ये मैक एड्रेस है, IPv6 का एड्रेस ये है और IPv4 का एड्रेस ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबनेट मास्क इस तरीके से है। सबनेट मास्क दोस्तों आईपी की क्लासेस पे डिपेंड करता है, कौन सी क्लास का आईपी यहाँ पे है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस फाइंड कर सकते हैं किसी भी सिस्टम या लैपटॉप में। यदि आपको मोबाइल में फाइंड करना है तो आपको IMEI नंबर ही मिलेगा, और मोबाइल में भी आईपी एड्रेस होता है, फाइंड कर सकते हैं सेटिंग पे जाके। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें।